फूलपुर पर एक जरूरी अपडेट ले लेते हैं अभी सर। शुक्रिया नेहा। फूलपुर में समाजवादी पार्टी ने अपने बढ़त को और पुख्ता कर लिया है। 8,199 वोट से सातवें राउंड के बाद आगे इस वक्त चल रही है वे वो लोकसभा सीट है जहां 50% से ज्यादा बीजेपी को पिछली बार वोट्स मिले थे, मगर इस बार एक सियासी चमत्कार हम अपने सामने होता देख रहे हैं। जी हां नेहा, फूलपुर में चिंता की बात और गोरखपुर में रहस्य बना हुआ है। बिल्कुल, और इसी रहस्य को जरा सुलझाने के लिए हम सीधा रुख करेंगे गोरखपुर में। हमारे संवाददाता रणवीर मौजूद है। रणवीर, ये बताइए, कुछ पता चल पा रहा है कि आखिर एक ही राउंड के नतीजे बाहर क्यों आए हैं? बाकी राउंड्स के नतीजे कब बाहर आएंगे? जी नेहा, बिल्कुल यही सवाल बना हुआ है कि आखिर प्रशासन क्यों 9 राउंड, ऑफिशियली डीएम ने कहा है कि 9 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, लेकिन घोषणा जो है वो सिर्फ एक राउंड की हुई है। और उनका कहना है कि ऑब्जर्वर जो है उन्होंने साइन नहीं किया है, तो ये ऑब्जर्वर साइन क्यों नहीं कर रही है ये डीएम नहीं बता पा रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक ऑब्जर्वर साइन नहीं करेंगे तब तक हम घोषित नहीं कर पाएंगे, और सिर्फ टेबुलेशन 3 राउंड का हुआ है, जबकि 9 राउंड ऑफिशियली डीएम ने घोषित किया है। और कांग्रेस प्रत्याशी सुरहिता करीम के पति अभी जब काउंटिंग सेंटर से बाहर आए तो उनसे हमने जब जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि गोरखपुर ग्रामीण में 13 राउंड की वोटिंग काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, 13 राउंड हो चुका, लेकिन घोषणा सिर्फ पहले राउंड की हुई है और बीजेपी का जो मार्जिन है वो इनके लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा सवाल है वाकई में। देखिए, इस वक्त ये बड़ी खबर है, गोरखपुर में 9 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। रणवीर, अगर आप मेरे साथ हैं, जरा ये क्लियर कर दीजिए, 9 राउंड की गिनती गोरखपुर में पूरी हुई है या 13 राउंड्स की पूरी हो चुकी है? जी, डीएम ने जो ऑफिशियली बताया है वो 9 राउंड की गिनती बताई है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी के जो पति हैं वो जब बाहर आए काउंटिंग सेंटर से हाथ में पेपर लेके, तो उनके पास जो टेबुलेशन था गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का तो वो 13 राउंड का था, लेकिन आधिकारिक तौर पर डीएम ने जो हमें बताया है वो 9 राउंड कंप्लीट हो चुका है। रणवीर, जो गोरखपुर के डीएम कह रहे हैं, अगर उनकी बात भी माने तो 9 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और नतीजा सिर्फ एक राउंड का बाहर। शाहनवाज जी, मेरा फिर वही सवाल, अब बताइए, ऑब्जर्वर दस्तखत नहीं कर रहे, क्या छिपाया जा रहा है वहां पर? आप 9 राउंड की कर देते हैं लेकिन सिर्फ एक राउंड का नतीजा? प्रक्रिया होगी, मैं भी यहां बैठा हूं और आप लोग स्टूडियो में बैठे हैं, मैं भी आप ही के स्टूडियो में हूं, मतलब घर से लाइव हूं। शाहनवाज जी, आपने इतने लोकसभा चुनाव जीते हैं, कभी हुआ आपके साथ ऐसा कमीशन पर तुरंत विरोधी राउंड पर राउंड हो जाए और ऑब्जर्वर दस्तखत ही ना करें? आप तो बहुत अनुभवी आती है और सब नहीं, सबके दस्तखत होते हैं, इलेक्शन एजेंट जो कैंडिडेट का होता है, काउंटिंग एजेंट उसके दस्तखत होते हैं, डीएम के होते हैं, ऑब्जर्वर के होते हैं, फिर अनाउंस किया जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन पर शहनवाज भरोसा करना चाहिए। यहाँ पर बैठे हुए लोगों का जीवन यही खेरा जी सवाल उठाते बीत गया, आप लोग सवाल लड़ते बीत गया, आखिर ये बताइए प्रक्रिया में क्यों फांस के रखा हुआ है ये दस्तखत जो है वो क्यों नहीं ऑब्जर्वर? सवाल उठेंगे, ऑब्जर्वर दस्तखत क्यों नहीं कर रहे हैं? मीडिया को बाहर क्यों किया जा रहा है 9 राउंड की गिनती के बावजूद, सिर्फ एक राउंड के ही नतीजे बाहर क्यों? गोरखपुर में ऐसा क्या आ रहा है नतीजों में जिसे छिपाया जा रहा है? ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।